विजन एम्स प्रेजेंट्स कौन बनेगा मेयर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका दोस्त सुशील पाल। आज हम वहाँ पहुँचे हैं वार्ड नंबर 2 में। वार्ड नंबर 2 की तस्वीर जानेंगे कि आखिर वार्ड नंबर 2 के अंदर जो वार्ड पार्षद हैं मनोज बैरवा, उन्होंने कितने काम कराए, क्या क्या काम कराए हैं। इस वक्त हमारे साथ ई रिक्शे के ऊपर सवार हैं मनोज बैरवा, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके वार्ड के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से काम उन्होंने किए हैं, कौन कौन से काम हैं जो ऐसे अधूरे रह गए हैं। यहाँ की जो जनता है उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मनोज बैरवा का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा। तो शुरुआत करते हैं, कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं, आगे की ओर चलते हैं। मुझे ये बताइए सबसे पहले कि वार्ड नंबर 2 के अंदर कौन कौन सा इलाका है जो आपके क्षेत्र में आता है। पहले आता है रिबो विस्तार के सारे ब्लॉक, उसके अलावा आता है बेरोबस्ती आता है, ये मेन रोड अपन चल रहे हैं, ये जो नया डामर रोड दिख रहा है आपको, ये डामर रोड पूरा आता है, ये इसका लेफ्ट हैंड अपने में नहीं आता, राइट हैंड अपने में आता है। इसके अलावा अपने बेरोबस्ती आ गई, पसंद नगर आ गया, तेह चौक आ गया, ये और के ब्लॉक आता है फ्लोरेंस, ये अपने वार्ड मेयर साहब खुद मेरे वार्ड में आते हैं। अच्छा, मेयर साहब खुद आपके वार्ड में रहते हैं? हाँ बिल्कुल। वाह, तब तो मुझे उम्मीद है कि आपके वार्ड में उन्होंने काम कराया ही होगा अगर वो खुद रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आपने पार्षद का चुनाव लड़ा और उस समय यानी कि आज से तकरीबन 4-4.5 साल पहले, कौन कौन सी समस्याएं आपके वार्ड के अंदर थी जो आपको पता था, ध्यान में था, जिसके लिए आपको काम करना था? मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि कुछ वर्ग के लोगों का काम नहीं होता था, क्योंकि देखो सक्षम लोग होते हैं उनका तो काम हो जाता है, और असक्षम लोग होते हैं उनका काम नहीं होता। अपना पहला प्रायोरिटी थी उन लोगों का काम करना, उनको इजीली सुविधाएं प्रोवाइड कराना, तो वो चीज़ें हमने की है। और मेरे एंट्रेंस सबसे, ये मेन रोड आप दिख रही है बिल्कुल, आपको नई रोड दिख रही है बिल्कुल, ये ख़राब पड़ी थी, इसको पहले मेन रोड को बनवाई है अभी वापस, बहुत सी चीज़ें मतलब जनरल, अपन को क्या पार्षद से उम्मीद क्या होती है, जनरल चीज़ों की जरूरत है, जो उनको जरूरत ज़्यादा पड़े वो चीज़ों की जरूरत थी, तो वो चीज़ों की सुविधाएँ दे रहे हम। मैं उनके लिए एक नेता बन के नहीं रह रहा हूँ, मैं उनके लिए एक भाई बेटा और पुत्र बन के काम कर रहा हूँ। लेकिन आपके वार्ड में हम चल रहे थे, नाली की हालत बड़ी, ये नाली के उस अपोजिट साइड में आ जाती है, तो ये हमारे क्या वो एक नंबर में आ गई ये नाली। अच्छा, हाँ। यानी कि सड़क के इधर हम चल रहे हैं, सड़क के सेंटर में, तो एक तरफ जो हिस्सा है वार्ड नंबर 1 में आ जाता है और एक तरफ चल रहे हैं हम तो वार्ड नंबर 2 में। ये समस्या मुझे बाकी के वार्ड में भी देखने को मिली। मुझे एक बात बताइए, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान क्या होता है? कई लोगों ने ये भी कहा कि उनका जो घर है, सामने वाले का घर तो वार्ड 2 में आ रहा है, सामने वाले का घर वार्ड 1 में आ रहा है, सफाई कर्मचारी काम किस में करता होगा? अभी लफड़ा क्या, गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। अब जैसे क्या, हमारे वार्डो को अभी भी कच्चा कर रखा है, हमने भी मांग करी कि हमारे वार्ड को पक्का कराए। अब उस वार्ड में लगभग 60 कर्मचारी दे रखे हैं और यहाँ हमारे यहाँ 20-22 कर्मचारी दे रखे हैं, उनमें भी महिलाएं होती है और तो कभी छुट्टियाँ कर लेते हैं। अब तो मैडम जिस तरीके से एक्टिव हो रखी है, उन्होंने हमारे ऊपर अधिकारी भी मतलब जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टरों के ऊपर भी कर्मचारी लगा रखे हैं, मतलब विधि अधिकारी को लगा रखा है, फिर भी काम जब 15-20 कर्मचारी और 25-30 कर्मचारी कितना काम करा लोगे आप बोलो? आप मेरी बात सुनो, हरिभाव विस्तार है, कितने बड़े ब्लॉक है हरिभाव, धारचंद स्मारक के चारों तरफ का आवरण आ गया, के ब्लॉक आ गया, ये इतनी आबादी बस्तियाँ हो गई, तो फर्क तो पड़ता ही है ना। इसके लिए सबको सरकार को एक ना एजेंसी बना लेनी चाहिए सफाई के लिए, एक ना पर्टिकुलर टास्क लेना चाहिए, जैसे जैसे प्रधानमंत्री ले रहा स्वच्छ भारत मिशन, इसको टास्क के रूप में काम करना पड़ेगा तभी होगा, क्योंकि पब्लिक तो गंदगी करेगी और आबादी में तो होती है गंदगियाँ। अच्छा, जैसे कि बीजेपी की सरकार ने बिजली की जो पूरी व्यवस्था थी अजमेर सिटी की वो टाटा कंपनी को दे दी, हमने तो विरोध किया था। सफाई की जो व्यवस्था है वो भी दे देनी चाहिए उसको, सफाई की व्यवस्था दे देने में कोई दिक्कत नहीं, पर सफाई कर्मचारी जो गवर्नमेंट उन कर्मचारियों फिर उनका क्या जाएगा, जो बेचारे उनको क्या होगा, फिर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इस मामले में। अच्छा, अपन तो ये नहीं होना चाहिए। अपन किस, क्योंकि एक वर्ग इस पे आजीविका का साधन है एक वर्ग का, तो हम नहीं चाहते इसका प्राइवेटाइजेशन। हम हाँ, इन्हीं कर्मचारियों को लगाओ और इन पे काम अच्छा लो ना। आपने सैनिटरी जमादार बना रखे हैं, सैनिटरी सीधा 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 ये मेरा वार्ड में नहीं जाएगा, पड़ जाएगा पीछे ले लीजिए वापस। हाँ, वापस आए थे। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए आप, क्योंकि काम का जिक्र हो रहा है तो मुझे ये बताइए कि इन जो 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा, इस दौरान आपने कितने रुपए तक के काम करा दिए और कौन से फंड से कराए? मैंने देखो सबसे ज्यादा काम कराए, जो पार्षद फंड तो सबको मिलता है 20 लाख पर साल का, उसमें वो तो हर साल यूज में लेते हैं, काम रोड नाली बनाई है उसमें, मतलब वो भी हो गए 4 साल से, मतलब 1 करोड़ समथिंग के तो वो हो गए। बाकी ऐसे जनरल से करा लिए मैंने 1.5-2 करोड़ के, जिसमें कहीं मेयर का प्रभाव से होते हैं, कहीं कमिश्नर के प्रभाव से होते हैं, और कहीं आप लोगों के मतलब टर्म से, जैसे ठेकेदारों से हम करवा लेते हैं, भामाशाहों से ऐसे। और ADA से मेरा काम नहीं हो पाया, ADA में क्या होता है, 3 साल तक शिवशंकर हेड़ा जी बैठे रहे चेयरमैन, तो उन्होंने मैं क्या विपक्षी पार्टी का होने के कारण उन्होंने कितने ढोक दे लिए, मैंने बोला मैं आपकी
कहीं स्कूल में पढ़ा रहता था वहाँ भी जाता था, तो उन्होंने नहीं करे तो नहीं करे, मतलब उन्होंने साफ कर लिया कि अपोजिट पार्टी का। मैंने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ पे महेश्वरी समाज के लोग हैं, आप खुद जाके आप फीता काट लो, आप कर दो, पर नहीं करा तो नहीं करा। अब हमारी सरकार में मैंने जाके पढ़े कहा है, अभी जिस दिन चिन्मय धारीवाल जी आए थे उस दिन भी उनको लेटर दिया चिन्मय गोपाल को और उनको अपने गौरव जी अग्रवाल, सीधा ले लो, मैंने इंटरेस्ट सॉरी किया है, सीधा ले लो, सीधे ले लीजिए भैया। हाँ तो ये जो काम था ईडी साहब कराने की बात कर रहे हैं, ये काम कौन सा था? ये सूर्य नगरी क्षेत्र है एक मेरा। हाँ। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये इस क्षेत्र में क्या ये है तो नियमन क्षेत्र। हाँ। पर स्कीम का पार्ट नहीं है। हेड़ा जी का ये कि सबसे बड़ा डिफॉल्ट होता था कि ये आपका स्कीम का एरिया, हम एडी हैं, चल लो सीधा ही चल लो आगे रामचंद्र चौधरी के चलेंगे। हाँ। पब्लिक बहुत मिल जाएगी आगे रास्ते में। ADA का काम नहीं हो पाया जो आप काम कराना चाहते थे। हाँ। पक्ष और विपक्ष का माहौल बना रहा। हाँ। विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष थे शिवशंकर हेड़ा, आप ये कह रहे हैं कि वो क्योंकि आप कांग्रेस से पार्षद हैं और बीजेपी से हैं इसलिए उन्होंने काम आपके वार्ड में नहीं होने दिए जो ADA की। आपको चाहो तो लिखित में लेटर मिल जाएंगे 25-30 तो वहाँ पे रिसीव्ड मिल जाएगी मेरी लेटरों की, नहीं होने दिए तो नहीं होने दिए। अब है अब कर रहे हैं हमने और अब की मेरे को 30 लाख का एस्टीमेट। हाँ मेरे सरकार ने सरकार आ गई है। हाँ तो 30 लाख का एस्टीमेट बन चुका है अभी। हाँ। आप जाओ तो अमित बजाज जाइए ना ADA का, उसने बना दिया है जाइए और अप्रूवल ही गौरव अग्रवाल जी दे रहे हैं। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा को फिर आगे जारी रखेंगे। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. नई की दुकान है यहाँ पे, 3-4 लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। हाँ जानते हैं इनको आप? बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। कौन है ये? हमारे पार्षद साहब हैं। पार्षद हैं। अच्छा इनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा है? बहुत बढ़िया रहा। काम कराया इन्होंने? बिल्कुल कराया, देख लो ना सामने है काम तो। स्कूल के पास बड़ा रोड है, बिल्कुल सामने है काम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नोरत है। ये बताइए कौन कौन से काम है इन्होंने जो करा दिए? हमारे सामने ने रोड का काम कराया, हमारे गली अंदर रोड का काम कराया। हाँ हमारे सामने कराया लोग बता रहे हैं तो। अच्छा सफाई व्यवस्था कैसी है वार्ड में? वहाँ बढ़िया है। बढ़िया। हाँ दोबारा पार्टी टिकट दे दे इनको, जीत जाएंगे। हाँ बिल्कुल आराम से जीतेंगे। नो टेंशन है? नो टेंशन, नो टेंशन। चलिए बात करते हैं और बात करो आप, इनके आप इसी वार्ड के? बिल्कुल। क्या है इनका कार्यकाल कैसा रहा? सबसे बढ़िया का। सबसे बढ़िया 20 सालों के अंदर जो हमारे वहाँ रोड नहीं बनी वो रोड बन गया। अच्छा अब तो इनकी सरकार आ गई है राज्य में। बिल्कुल। तो और काम की उम्मीद? हमारे पास हिसाब तो यही बनेंगे, यही बनेंगे। बिल्कुल। अच्छा होगा पार्टी टिकट नहीं दे तो दिल्ली से हो जाएंगे। चलिए माता जी है, माता जी से बात करते हैं। माता जी क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गा देवी है। अच्छा इनको जानते हैं आप? हाँ जानते हूँ इनको। कौन है? मनोज। अच्छा वार्ड पार्षद आपके। कैसा है इनका कार्यकाल? बढ़िया है। काम बढ़िया है इनका? तो इसको इतने से कोई जानती हूँ। अच्छा इतने से जानती हो आप इनको? अच्छा कोई ऐसा काम है जो वार्ड में आपका रह गया हो आपको लगता है इनको पूरा करना चाहिए? देख बेटा ये मेरे को पता नहीं है। चलिए सफाई वगैरह सब कुछ बढ़िया हो रहा है? और तो सब बढ़िया हो रहा है। सब कुछ बढ़िया हो रहा है। कुछ और बुजुर्ग हैं जो इस तरह बैठे हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। वैसे इस वार्ड के अंदर जब हम आए हैं तो सड़क वाकई हमको पक्की नज़र आ रही है, बनी हुई फिलहाल अभी तक तो नज़र आ रही है, लेकिन वार्ड की जो समस्याएं होती हैं जो हमको सफाई की नज़र आई, नालियां जाम की नज़र आई, वो फिलहाल अभी तक यहाँ पर नज़र नहीं आई है। भाजी क्या नाम है आपका? इनको जानते हैं क्या आप? जानते हैं इनको? कौन है ये? ये हमारे पार्षद हैं। पार्षद साहब हैं। हाँ। इनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? अच्छा है इनका। अच्छा है काम करा रहे हैं ये? काम करा रहे हैं। कोई कमी नहीं है आपके वार्ड में? कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है? रोज साफ सफाई रोज। अच्छा ये तो कह रहे थे सफाई कर्मचारियों की कमी है फिर भी हो रही है? नहीं मांगे तो रोज हो साहब। हो रही है आपके यहाँ? मांगे तो रोज हो, कचरों भी है और दो दो टेम्पो भी आवे। अच्छा टेम्पो वाले अलग आते हैं, लेडीज अलग आती है वो भी आती है, तो सफाई आपकी बढ़िया हो रही है ना? बढ़िया हो रही है, मांगे तो हो रही है साहब, दूसरी जगह मन पता बने दूसरी पता नहीं है आपके यहाँ तो हो रही है। हम जब स्पॉट में आ रहे थे तब बातचीत थी और बातचीत में हमको बताया गया कि जो सफाई कर्मचारियों की संख्या है वो इस वार्ड के अंदर थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है वो अभी तक तो हमको उचित नज़र आ रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको इसी वार्ड के कुछ और इलाकों की तस्वीर भी दिखाएंगे। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312।
Sadhguru Designer Wedding Collection, Handpicked Fabrics and Premium Brands. Sadhguru Store, Nagina Bag, Ajmer. अजय इनका कार्यकाल कैसा रहा, काम कैसा रहा इन्होंने? बहुत बढ़िया है। बढ़िया रहा इनका काम है? हाँ तो बाजू ने मारो पहले बढ़िया इनका काम। हाँ बढ़िया बढ़िया सर। कोई काम ऐसा जो बाकी रह गया हो इनको कराना चाहिए? बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया अभी तो चल रहा है काम है, अभी तो काम चल रहा है। अच्छा ये नौजवान साथी है, कैसा है इनका कार्यकाल? बढ़िया है। बढ़िया। कोई काम ऐसा वार्ड में आपको लगता हो जो अधूरा रह गया हो इनको पूरा करना चाहिए? बस थोड़ा सरकारी स्कूल की तरफ ध्यान दे। अच्छा सरकारी स्कूल में क्या कमी है? जैसे बहुत कमी है, आप जाके देखिए। जैसे 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 नालियाँ नहीं है सामने। अच्छा नालियों की समस्या है। और थोड़ा अंदर से कच्चा भी है, पानी भर जाता है, बच्चे हैं छोटे छोटे। अच्छा और थोड़ी साफ सफाई बस, बाकी तो कोई शिकायत नहीं है, बाकी पूरा काम बार बाकी तो पूरा काम हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। बाहर सच ठीक है। कुछ बाबू जी है, मंदिर है वीर तेजाजी महाराज का और इसके बाहर बाबू जी बैठे हुए हैं। बाबू जी राम राम। क्या नाम है आपका? यार कई बार कह दिया इनके सफाई के लिए, देखो कितनी भरी हुई है ये, मैं दिखाता हूँ इसके लिए कई बार बोल दिया लेकिन कोई सफाई नहीं होती है। अच्छा ये नाली यहाँ पर ये टूटी हुई पड़ी है पूरी। अब यहाँ आते आते पूरी भरी हुई है ये देखो पूरा। हाँ। पूरा तो मंदिर के आओ कैमरा इधर। मंदिर के भक्त भी आते होंगे यहाँ पर? तो बहुत आते हैं, शाम के टाइम बहुत आते हैं। अच्छा ये तस्वीर है पूरी, ये देखो ये इस हेडपम्प का हाल देखो, ये टूटी फूटी नाली देखो। अच्छा कितनी बार बताया पार्षद? पार्षद को बताया आपने? कई बार बता दिया पार्षद महोदय तो आते ही नहीं है इधर। आज लेके आ गए हम? हाँ वो आज लेके आ गए ना आप, ये आते नहीं है इनके, वो आते हैं कारिंदे हैं। हाँ। एक भरत यादव है, वो लोग आते हैं इधर बस। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। हाँ, ये लोग नहीं आते हैं। तो इसके लिए कभी शिकायत भी की आपने, जिनको जानकारी भी दी ऐसी? बहुत जानकारी दे रखी है साहब। कितने सालों से ऐसा पड़ा हुआ है ये हो गई करीब इसको साल भर, अभी नालियाँ बन रही तब भी बोला हम लोगों ने। एक भरत ही आता है यहाँ इनका, उसने भी पार्षद लिख रखा अपने उसके ऊपर, हम तो उसी को जानते हैं पार्षद। अच्छा ऐसा भी कर रखा उसने? हाँ उसी को जानते हैं पार्षद। अच्छा और कौन सी समस्या है इसके अलावा आपके वार्ड के अंदर जो कि इनको काम करना है? स्कूल ग्राउंड ये देखो, स्कूल के सामने देखो कितनी गंदगी पड़ी है। अच्छा स्कूल के बिल्कुल स्कूल के सामने कितनी गंदगी है, जहाँ बच्चे आते हैं करीब 200 बच्चे आते हैं, कितनी गंदगी पड़ी। चलिए आगे की हम तस्वीर आपको दिखाते हैं, लेकर चलते हैं इस कारवा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इस वक्त हम एक सरकारी स्कूल है कोटरा के अंदर वहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ के जो वार्डवासी हैं यहाँ पर गंदगी के लिए कह रहे थे, स्कूल की समस्याओं के लिए कह रहे थे। और मनुज जब हम आ रहे हैं यहाँ से तो लोगों ने हमको स्कूल के लिए ज़रूर कहा और आपने भी कहा कि यहाँ पर विकास के कुछ काम कराए गए हैं, क्या क्या काम आपके ओर से कराए गए? क्या सरकार की तरफ से बजट आता रमसा के तहत ये 16,50,000 की दो कमरे बड़े हॉल हमने बनवाए, इसमें बाकायदा आप शिलालेख पर मेरा नाम देख सकते हो, उसे जिस पर भी चुनाव के दौरान पोस्टर चिपका दिया। हाँ। वो मेरे द्वारा ही बनवाया गया शिलक में। हाँ। उसके अलावा बाहर रोड है ये मेन रोड, ये मेरे द्वारा ही बनवाया गया है। अंदर के अंदर स्कूल के अंदर कमी क्यों? हमारे पार्षद फंड में कोई स्कूल का फंड तो होता नहीं है, सबसे बड़ी कमी। फिर भी हमने अभी स्मार्ट सिटी के अंदर मैडम को करवाया तो मैडम ने यहाँ के बाथरूमों की सुध लेते, मैडम ने इसको स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं उनको दिखाया, उसके तहत अभी स्मार्ट सिटी में कुछ इसकी रूपरेखा चेंज होगी। अच्छा इतने समय से, क्योंकि मेरे हिसाब से 20 साल से शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं यहाँ पे देवनानी, पर उसने यहाँ पे आके कुछ नहीं कहा। एक बार हमारी यहाँ पे माइक में बहस भी हुई थी आपस में, कोई प्रोग्राम था उसमें, तो उन्होंने बाकायदा यहाँ के टीचरों को धमकी दी, बोले यहाँ का रिजल्ट सही नहीं आया तो तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा। बाकायदा यहाँ की टीचर बोल सकती है, आप कभी आके यहाँ के टीचरों से ये दे सकते हो ओपन बात। ये वो स्कूल है और ये जो वार्ड नंबर 2 है, ये अजमेर उत्तर के जो विधायक हैं अभी वासुदेव नानी, शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं और 20 साल से यहाँ पे कुछ वार्डवासी उनसे भी बातचीत करेंगे। जय बोधी राम। लेकिन एक बात और बताइए मुझे, कुछ गाय और कचरा यहाँ पर देख रहा हूँ। ये डिपो था पहले, तो डिपो हटा दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, रूप उनको बाकायदा शिकायत कर दी, नया डिपो लगेगा। ये क्या डिपो था? ये डिपो हटा दिया गया है इसलिए गवर्नमेंट ने हटा दिया, अब गवर्नमेंट ही कहीं सब्स्टिट्यूट जगह देख रही है। बाऊजी हैं? बाऊजी क्या नाम है आपका? डॉक्टर कैलाश गोयल। डॉक्टर साहब ये बताइए, हाँ जी, पार्षद साहब का कार्यकाल कैसा रहा आपके? बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा आपकी तो ये दर दुकान जगदम्बा एक्यूप्रेशर। हाँ जी, भारी कचरा बहुत है, कभी शिकायत नहीं की? कचरा तो है, शिकायत करते रहे लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। क्यों? कचरा क्या है यहाँ से, ये जब तक घटेगा नहीं ना। हाँ, डिपो हटाना चाहते हैं, लोगों की डिमांड है, बहुत बेकार जगह। मतलब 3 स्कूल है आसपास, तीनों स्कूल से परेशान होते हैं, मतलब यहाँ रोज नाली जाम होती है। अच्छा डेली। अब इसके लिए कई बार निगम में भी संपर्क किया, मैंने तो फोन भी किए, शिकायत भी की, लेकिन जो होना चाहिए पर्याप्त कार्रवाई हुई नहीं।
पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो पाई जो होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि डिपो नहीं होना चाहिए, अगर डिपो हर वार्ड में जैसे किसी चिन्हित जगह पर नहीं होगा तो फिर कचरों का नहीं, डिपो तो होना चाहिए लेकिन डिपो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ साइड में हो, मतलब पब्लिक आप ऐसे प्लेस पे कर दो, पब्लिक प्लेस पे कर दो, आप रोड पे चौराहे पे बना दो तो इससे आम जनता को परेशानी होगी। भाई डिपो होना चाहिए, डिपो साइड में कितनी जगह खाली थी वहाँ बनाते और कहीं जगह देख के बनाते, मतलब इससे तो क्या आम जनता परेशान है। तो हमारा तो ये कहना है कि इसको हटवाएं, आके देखें जो भी उच्चाधिकारी है आके एक बार मौका मुआयना करें, इस जगह को देखें और यहाँ जितनी परेशानी होती है उसका सोल्व करें। अच्छा वार्ड में इसके अलावा और कौन सी समस्या है आपके वार्ड में जो लगता है आपको कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया? वो वार्ड में अभी तक सीवरेज की परेशानी है, यहाँ सीवरेज नहीं है, जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके आसपास कोई सीवरेज नहीं है, सीवरेज होना चाहिए की समस्या है। सीवरेज लोग लेने के लिए तैयार हैं क्या लगाने के लिए? वो भी तो अपने आप लेंगे, मतलब कोई आदमी अपने आप तैयार नहीं होता है, वो सिस्टम जब आप व्यवस्था करोगे तो लेंगे अपने आप। भाई ये इलिटरेट एरिया है, ज्यादातर लोग बाग ये चाहते हैं कि नहीं हो, पैसा खर्च नहीं हो, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी चाहता है कि सीवरेज होनी चाहिए। भाई ये सब जगह है अजमेर में तो यहाँ भी होनी चाहिए, भाई होने से फायदा ही है। अच्छा एक चीज और बताइए, टाटा पावर की जो व्यवस्था है वो कैसी है इस वक्त? वार्ड के अंदर कंपैरिजन में बढ़िया, पहले से सरकारी व्यवस्था से सही अभी जो है वो बिल्कुल सही है, आरएसीबी से कंपैरिजन में बढ़िया है। अच्छा दोबारा इनको टिकट कांग्रेस पार्टी दे दे पार्षद का तो जीत है या नहीं है? बिल्कुल जीत है जी, हमारी शुभकामनाएं दोबारा जीत है। वार्ड में आपको आगे की ओर घुमाते हैं, कुछ और तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vegamall, Ajmer. Break ke baad, ek baar phir aapka bahut bahut swagat hai Kaun Banega Mayor show mein. Aur ward number 2 ke andar hum ghoom rahe hain. Ye tasveer hum aapko dikha rahe hain lagatar ward ki. अच्छा एक बात बताइए, जिस जगह से अभी अपन आ रहे हैं उस जगह पर आवासीय लेन लंबी चौड़ी थी लेकिन वहाँ पर कमर्शियल गतिविधियाँ बहुत सारी हैं, अतिक्रमण किस तरीके से बढ़ रहा है आपके वार्ड के अंदर? तो अजमेर विकास प्राधिकरण को समय समय पर लेटर दिए गए हैं, आपको लिखित में रिसीव्ड मिल जाएगी। हाँ तो वो पता नहीं कैसे ऑब्लाइज कर रही है इनको भगवान जी। अच्छा ये ऑब्लाइज सिस्टम चल रहा है? हाँ, 3 साल पहले से मैंने लेटर दिए हुए हैं, एराजी के समय ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शिव शंकर हेड़ा जी ने अतिक्रमण को और व्यवसायीकरण जो हो रहा है आवासीय का दिया? बिल्कुल दिया, मैं तो लिखित लेटर दे सकता, सामने देखे हैं उनको, बिल्कुल दिया था मैंने लेटर शिकायतों का। उन्होंने ये रहा ओपन जिम पार्क वाला, ये किया है। चलिए ओपन जिम देख लेते हैं, स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर बनाई गई है इस वार्ड के अंदर। अच्छा आपका वार्ड स्मार्ट सिटी में सेलेक्ट हुआ है? बिल्कुल है, ये मैंने स्मार्ट सिटी मैंने खुद ने अपने स्तर पे मैं हमारी कमिश्नर मैम से रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने स्मार्ट सिटी के जो एक्शन है माथुर साहब और जयन है मीणा जी उनको भेजा था और फिर मेरे रिक्वेस्ट पे ये बनाई गई है। ये तो यहाँ पे झाड़ झंझार था और कुछ अच्छा नहीं था। रोकिए पार्क को देख लेते हैं, पार्क किस तरीके से तैयार किया है। अच्छा आपके वार्ड में तकरीबन पार्कों की संख्या कितनी है? 20 से 25 पार्क है होंगे, 20 से 25 लगभग पार्क है यहाँ पर। उसमें जो धार सेन स्मारक वो सबसे बड़ा पार्क है शामिल है। ये ओपन पार्क है, जिम है, पार्क है, बनाया गया है। ऐसा घास तो गायब है इस पार्क में? नहीं, इसमें घास नहीं डाली गई है। इसमें क्या, ये पहले के वाले जो स्मार्ट सिटी का मेंटेनेंस उसमें मैट होती थी, अब जो उन्होंने मैट हटा दिया, अब नए अब जितने पार्कों में ये ओपन मशीनरी लग रही है ना उसमें मैट हटा दी गई, अब इनमें घास ये लगा दी है। अब इनका सब्स्टिट्यूट या तो घास लगाएंगे कुछ करेंगे। अच्छा उन्होंने हमारी बात हुई थी, उन्होंने तो बोले अब इसमें मैट, पहले मैट लगती थी इनमें, आप धार सेन स्मारक में देखोगे तो मैट लगी हुई मिलेगी आपको इसमें। तो ये इस तरीके ये से मेरे द्वारा लगाई गई, इनके प्रयास से यहाँ पर लगाई गई है। ऐसे तकरीबन 23 से 25 यहाँ पर इनके वार्ड के अंदर पार्क आते हैं, उन पार्क के अंदर दयाल सेन स्मारक भी शामिल है। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, दुकानों के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनसे थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार इनका जो कार्यकाल है वो कैसा रहा है। कोई काम अधूरा रह गया हो, अछूता रह गया हो तो वो हम उनसे जान लेते हैं। भाव जी जानते हैं इनको? मैं जानता हूँ। कैसा है इनका कार्यकाल? बढ़िया है। बढ़िया है? काम किया है इन्होंने? हाँ ये सब इन्होंने तो लगवाया। कोई ऐसा काम बाकी रह गया हो जो होना चाहिए हो आपके वार्ड में? बस बढ़िया, रोड वगैरह सब बढ़िया है। सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल? फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अजमेर विकास प्राधिकरण के ऊपर एक गंभीर आरोप, जब शिवशंकर हेड़ा अध्यक्ष थे, वापस बैठेंगे आगे चलेंगे, जब शिवशंकर हेड़ा अध्यक्ष थे तो एक गंभीर आरोप लगाया है कि उन्होंने
व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया है इलाके के अंदर। आवासीय मकानों के ऊपर दुकानें बन चुकी हैं और उससे अतिक्रमण जो है अवैध तरीके से वो बढ़ा है। या फिर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Sadhguru Designer Wedding Collection, handpicked fabrics and premium brands. Sadhguru Store, Nagina Bagh, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 8114-82312. Break ke baad ek baar fir aapka swagat hai. Kya naam hai aapka? Vivek. Kaun hai? Parcel chahiye. कैसा है इनका कार्यकाल? अच्छा है। अच्छा है? बहुत अच्छा है। क्या काम कराया इन्होंने? यार्डम में झूला लगवाए, साफ सफाई रहती है। रहती है? कोई ऐसा काम है जो बाकी रह गया हो? क्योंकि मैं दूसरे गया था तो वहाँ तो मुझे बहुत शिकायत की इनके बारे में। नहीं नहीं बस, और यार्डम का थोड़ा गेट सही कराया जाए पे। अच्छा गेट सही कराया जाए। और यार्डम में घास होनी चाहिए, बच्चे खेलते तो घास होनी चाहिए जी, मिट्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी तो मिट्टी नजर आई हमको। मिट्टी नजर आई हुई है, आपको नजर आई हुई है। अच्छा घास होनी चाहिए, गेट लगना चाहिए। जानवर जाते हैं? जानवर जाते हैं। जंदीगाड़ा होता है ना गार्डन में, बच्चे खेलने पाते वो रुकना चाहिए जी। और वैसे काम इनका ऑलमोस्ट बढ़िया है? बढ़िया। दोबारा से पार्टी टिकट देती है तो देंगे जरूर, देंगे जरूर। चलिए ठीक है, आगे लेके चलते हैं। एक दुकान और है, उस दुकान पर भी आपको लेके चलते हैं। उनसे हम जानते हैं कि काम कैसा किया है इन्होंने, क्या तस्वीर है इनके वार्ड की, वो हम जान लेते हैं इनसे। क्या नाम है भैया आपका? विजय सर। जानते हैं इनको? हाँ जानते हैं सर। कौन है? पार्षद जी हमारे यहाँ। कैसा इनका कार्यकाल? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत। कोई काम ऐसा अधूरा रह गया हो? नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता सर। नहीं सब कर दिया इन्होंने, सब कुछ, सारा काम हमारे यहाँ तो एक बोलने में हो जाता है सर। अच्छा हो जाता है, अवेलेबल हो जाते हैं? हो जाते हैं। चलिए सहज उपलब्ध है, लोग यहाँ के कह रहे हैं। तस्वीर कुछ और दिखाते हैं और फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. कौन बनेगा मेयर शो में? एक बार फिर से आपका स्वागत है। और निरीक्षक के ऊपर सवारी वार्ड के अंदर लगातार हमारी घूम रही है। अच्छा एक बात बताइए, कौन कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है कि आप पूरे नहीं कर पाए, वो काम किसी कारणों से अटक गए हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं? अजमेर विकास प्राधिकरण के दृढ़ निश्चय नहीं होने की वजह से उन्होंने हमारा काम नहीं होने दिया। सूर्य नगरी क्षेत्र है जो काम नहीं हो पाया, अब उसका मैंने अपने जयन से अमित बजाज से इनसे 32 लाख का एस्टिमेट बनवाया है और कुड़ी जी हमारे आई एन साहब उन्होंने भी उसको अप्रूवल दिया है। अब जो कमिश्नर साहब है गोयल साहब, मतलब जो कमिश्नर है अभी अग्रवाल साहब सॉरी, उन्होंने कहा है कि अप्रूवल हो जाएगा और मेरे हिसाब से जल्दी वो हो जाएगा। तो मेरी सबसे बड़ी कमी थी एक सूर्य नगरी नहीं हो पाया। अच्छा। बाकी मैंने हर क्षेत्र में काम करा है, हर मतलब हर गली में मैं जा सकता हूँ कि मैंने रोड नाली का काम करा है। किसी ने मतलब किसी ने किसी स्तर पर मैंने उनका काम किया है, जिस तरह से आप लेके गए हो तो मतलब मैं चल रहा हूँ वहाँ पे लोगों के। और मेरा काम डेली का मेरी एक्टिवा एक्टिवा के द्वारा हर गली में घूमने का, जब मेरा खुद का भी काम होता है काम के द्वारा मैं पर्सनल मतलब लोगों को सीधा सुलभ इजीली मिल जाता हूँ। अच्छा इस बार मेयर की जो सीट है वो रिजर्व हो गई है महिला के लिए, एससी महिला के लिए। बिल्कुल। आप अपनी घर में से किसी को उतारने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं क्यों, जरूर करेंगे। रिजर्व सीट है तो हम सब लिटरेट हैं, वाइफ भी लिटरेट है हमारी में। हाँ। सर एम कॉम किए भी है, मिसेज भी है, हमारी भाभी भी लिटरेट पढ़ी लिखी है। हाँ। तो हम चाहेंगे जरूर। तो दावेदारी करोगे आप? हमें टिकट बिल्कुल दावेदारी करेंगे। अच्छा पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो? पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उस समय की स्थिति को देख के डिसीजन लिया जाएगा। निर्दलीय पे चांस अपनाया जा सकता है? समय को देख के बताएं। अच्छा एक बात और बताइए, एक वार्ड दो वार्ड तीन वार्ड कितने वार्डों से खड़े होंगे आप? मैं यानी कि आपके परिवार की बात करूँ अगर मैं, परिवार पहले हमारा ये एक वोट था जिसके अभी तीन टुकड़े हो रखे हैं। हाँ। और माता रानी का और पब्लिक का आशीर्वाद रहा तो हम तो जनता की सेवा में एक वोट से खड़े होंगे, कहीं दो नंबर से खड़े होंगे। हाँ। कहीं सेवा में तो जनता मान के चलूँ मैं, बैरवा परिवार इस बार दो वार्डों से खड़ा होने वाला है। वेट एंड वॉच कह रहे हैं। चलिए ठीक है, कारवा अंतिम चरण के अंदर है। चलते चलते आप मुझे ये बात बता दीजिए कि कौन बनेगा मेयर शो जो हमारा है, ये रिक्शे के ऊपर हम वार्ड में जा रहे हैं, ये शो आपको कैसा लग रहा है? बहुत सुपर, क्योंकि सबसे बड़ा इस कारण रहा कि जनता से अपन मेयर को लेकर मतलब एज ए उसके जनप्रतिनिधि को रूबरू करा रहे हो। अगर उसकी कोई कमी है तो पब्लिक उसको मुंह पे बोलेगी और अगर कोई कमी नहीं होगी तो सामने मतलब
सच्चाई से अवगत कराना, इसलिए मुझे ये शो बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत अच्छा लगा। चलिए वार्ड नंबर जो दो है उसका जो समस्या हमको जाननी थी वो हमने देखी समझी, यहाँ के लोगों से हम मिले, वार्ड पार्षद से जाना कि आखिर 5-4.5 साल का जो कार्यकाल अभी तक रहा वो कैसा रहा, जिला कार्यकाल उन्होंने किए हैं। आपके वार्ड में भी हम आने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं बहुत जल्दी, कौन बनेगा मेयर शो की सवारी लेकर, आपसे जानने के लिए कि आपके वार्ड के अंदर क्या काम हुए हैं, कौन कौन सी समस्या है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी आपके वार्ड में भी आ रहे हैं। आज के लिए केवल इतना ही।